कभी कभी घर के जुगाड़ भी बोलते ना पास हो जाते हैं। मम्मा लोग ना बहुत जुगाड़ू इंसान होते हैं। फैल रहे होंगे ना, अभी खिलेंगे फूल, अभी खिले नहीं है भाई अभी। Hey guys, welcome to my new vlog. तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप भी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही थी यहाँ पर दो दिन से, तो आज थोड़ा बारिश बंद हुई है। और यहाँ पर आजकल बारिश के चक्कर में बहुत मच्छर वगैरह आ रहे हैं। तो एक अंकल है यहाँ पर डेली आ रहे हैं फॉगिंग करने, मच्छरों के लिए होता है, जैसे धुआं फैलाते हैं मशीन से। चलते हैं मार्केट, अभी रोनी का फंक्शन है स्कूल का, तो उसके लिए कुछ ड्रेस खरीदनी थी, तो उसी के लिए जा रहे हैं। तो बस अब चलते हैं मार्केट, देखते हैं कहाँ मिलेगा सामान, हमें भी नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा, उसका एनुअल फंक्शन है। तो रोनी के लिए लेना है हमें ब्लैक टी शर्ट विदाउट स्लीव्स वाली, इसमें स्लीव्स नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कलर की। और शॉर्ट लेना है हमें टाइट जिसे बोलते हैं स्ट्रेचेबल वाला, वो भी ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो सेम देखते हैं अब मिलता है नहीं मिलता, अमेजोन पे देखा था बस, उसमें सेट मिल रहा है छः का सेट, तो इतना क्या करेंगे हम लोग। गाइस चलते हैं मार्केट, स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है अभी पतली पतली गलियों में। तो चलते हैं फटाफट से मार्केट, बैठ जाइए अपने आप डर, बैठो बैठो बैठो, वेरी गुड, चले मिष्टू चलते। अरे मुझे तो छोड़ो, बोल मम्मा को तो ले लो पहले, मुझे चिढ़ जाती है मम्मा को नहीं लेके जा रहे। आज अच्छा मौसम हो रहा है, बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, मार्केट है यहाँ पर, तो अभी पूरा सामान नहीं मिला है अभी, अभी आगे और जाना है, अभी सिर्फ एक ही चीज मिली है हमें। किट में आए थे, रोनी की ड्रेस तो मिली नहीं, घूमते घूमते यहाँ पर आ गए। देखो पूरा तालाब है यहाँ पर, देखो रोनी फैल रहे होंगे ना, कुछ फैलने वाले भी होंगे, अभी उग रहे हैं ये। देखो गाइस रोनी भी खिलेंगे फूल, अभी खिले नहीं है भाई अभी, एक फूल खिला देखो उधर, बहुत दूर है थोड़ा वो पूरा एरिया ही ऐसा। ये पूरी मार्केट में अभी घूम रहे हैं हम रोनी की और ड्रेस लेने के लिए, लेकिन नहीं मिल रही। यही बगल में ये तालाब बना हुआ है, घूमते शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन रोनी का सामान अभी सेट नहीं मिला है। नीचे का तो मिल गया लेकिन ऊपर की हाफ ब्लैक टी शर्ट नहीं मिल रही है। अब जाते हैं आगे। गाइस मार्केट से आ गए हैं, तो काफी टाइम लग गया मार्केट में, हमारे 2-3 घंटे खराब हो गए, लेकिन कहीं पर भी हमें पूरा सेट नहीं मिला। नीचे का तो सेट मिल गया शॉर्ट रोनी का ब्लैक, लेकिन ऊपर की हाफ नहीं मिल पा रही शॉर्ट टी शर्ट, उसी के लिए परेशानी हो रही है। अब देखते हैं, रोनी के पास ब्लैक सैंडो है, अब मैडम को फोटो खींच के भेजेंगे, पता नहीं क्या बोलेगी मैम। अभी देखते हैं, कहीं नहीं मिल रहा, 3 घंटे से घूम रहे हैं और सही टाइम पे आए, जैसे हम आए हैं बारिश भी शुरू हो गई है। अब इस चीज़ के लिए हमें इतना भटकना पड़ रहा है, इतनी दुकानों में गए, बहुत दुकानों में गए, जगह 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 जगह, हमारे 3 घंटे खराब हुए। अब खाना बनाने का टाइम होने वाला है, पहले फटाफट से मैं चाय बना रही हूँ, सर दर्द हो गया घूम घूम के मार्केट में, कुछ ही नहीं मिला भाई। कभी कभी बोलते हैं ना कि मतलब बहुत परेशानी रहती है, मैं तो डिसाइड करती कि मैं अगली बार करवाऊंगी नहीं रोनी को पार्टिसिपेट, तो भाई इतना मतलब मन हो रहा है और पता नहीं अब मिलेगा नहीं मिलेगा, अब सेट क्या करें कहाँ से ढूंढे, वही परेशानी हो रही। जहाँ जहाँ मतलब लग रहा था कि यहाँ मिलेगी यहाँ मिलेगी, जहाँ जहाँ मार्केट थी वहाँ सब गए हम लोग देखने के लिए, बट नहीं मिला। बाकी अब देखते हैं अब कहाँ से मिलता है कैसे मिलता है। तो गाइस अब मैं जुगाड़ करके देख रही हूँ, देखते हैं इसको मैम पास करती है फेल करती है। ये रोनी की ब्लैक सैंड होती, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से भी सिल दूंगी, दोनों तरफ से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, गला छोटा जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से भी कर दूंगी सिल के, थोड़ा टाइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, लंबी है, मैडम से पूछेंगे क्या करूँ, मार्केट में तो घूमेंगे परेशान हो गए, इसी पे देखते हैं जुगाड़ करके इसको मैडम क्या बोलती है, तब पता नहीं है, तब टेंशन है हमारे लिए। अगर पास कर देगी मैडम बोलेगी ओके, तुम्हें आती है सिलाई, इतना तो हर किसी को आता है, ऐसे ना मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है ना, मैंने सुनझाके से बहुत कुछ सीखा बनाया था, याद है आपको एक बार रोनी ले छोटा सा रोनी 8-9-10 महीने का था, अपनी टी शर्ट काट के क्या बनाया था मैंने, शर्ट रोनी ने टी शर्ट बनाई थी और शॉर्ट बनाया था, तो मशीन नहीं थी सुनझाके सिल के, वो याद है आपको लाइनिंग लाइनिंग वाला था, याद है। जुगाड़ कर दिया, आप देखते हैं मैडम को फोटो भेज रहे हैं, अब देखते हैं पास हो जाएगा, जुगाड़ तो सही है, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगी।
रही है बट चिढ़ रही है। क्या हुआ मिष्टू? अगर अपनी मम्मा से प्यार करती होगी ना, अभी देखना, अभी स्माइल करके दिखाएगी। देखती हूँ मैं, 5 तक काउंट करूंगी, मिष्टू स्माइल करके दिखाएगी अगर मम्मा से प्यार करती है तो। 1 2 देखती हूँ मिष्टू मुझसे प्यार करती नहीं करती। 3 ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, स्माइल ही नहीं करके दिखा रही। 4 हो गया मिष्टू, स्माइल ही नहीं करी। और लास्ट आ गया, अरे इसने तो स्माइल कर दी। इसका मतलब मम्मा से प्यार करती है लड़की, बताओ यस या नो, जोर से बोलो। नहीं चलेगा, मुंह से बोलो यस या नो। तो उठो फिर, आलस क्यों कर रहे हो। तो गाइज ये है, अभी तो रोनी का मैंने गंदी तरह दिखाना नहीं, रोनी की बनियान सेंड होती है, यहाँ से मैंने ऊपर से और सिल दी है, इधर से थोड़ा टाइट कर दिया है ताकि गला छोटा हो जाए इसका, और नीचे से तो मिल गया ही है, ऊपर का नहीं मिल रहा ब्लैक कलर का। अब देखते हैं रोनी की मैम पास करती नहीं करती। तो बस साइड साइड से सही फिटिंग कर दी, अब सब, अब थोड़ा साइड साइड में सिलाई लगानी है उसमें, बस मेरा काम निपटा। बट गाइस मम्मा ने पीछे चिमटी लगा दी। मैडम को दिखाने के लिए ना, मुझे फिटिंग का नहीं था तो उसको टाइट करने, ताकि मैडम रिजेक्ट ना करे। अब फिटिंग कर दूंगा रोनी साइड साइड से, अब साइड साइड से फिटिंग कर दूंगी इसकी, अगर ढीला ढाला बेचती मैंने कहीं मैडम कमी यहाँ निकाल दे तो। सही है, अब सही हो गया। कभी कभी घर के जुगाड़ भी बोलते ना पास हो जाते हैं। एक दिन के लिए क्या फालतू खर्चा, ठीक है नीचे की एक चीज ले लिया, बेची मिल गई। हाँ ऐसे बेटा, मम्मा लोग ऐसे ही होते हैं, मम्मा लोग ना बहुत जुगाड़ इंसान होते। हाँ बेटा मम्मा लोग जुगाड़, हम लोग ऐसे ही होते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि पहले घर से हर चीज मिल जाए, नहीं मिलते तो मार्केट जाते हैं ना, लेकिन आज तो मार्केट में इतना परेशान हो गए थे। तो गाइस फाइनली मैडम ने ओके कर दिया है, मैंने फोटो भेजी थी तो मैम ने ओके कर दिया, तब टेंशन कम हो गई है। मैं आज पूरे दिन घूमते रहा 3 घंटे मार्केट में, तो बस अब हो गया जुगाड़ पास हो गया हमारा, होते ना कभी घर के जुगाड़ ही पास हो जाते हैं, तो बस वही है, तो जुगाड़ पास हो गया हमारा, मैम ने ओके कर दिया है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।